औली एक ऐसा हिल स्टेशन है जो विंटर्स में अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही फेमस है। यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक नगर है जो कि बद्रीनाथ धाम के रास्ते में पड़ता है और जोशीमठ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। विंटर्स में यहाँ पर खूब बर्फ पड़ती है और काफी सारी एडवेंचरस एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे कि स्कीइंग, ट्यूब स्लाइडिंग एक्सेट्रा। और यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वह है आर्टिफिशियल लेक, जो 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, और जब बहुत बर्फ पड़ती है तो वहाँ लेक जम जाती है और फिर उसमें स्कीइंग कराई जाती है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे ओली टूर प्लान के बारे में, और अगर आप ओली जा रहे हैं तो आप कितने दिन का प्लान बनाएं, कितना खर्चा आने वाला है, कहां रुकें, कहां घूमें, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप भी ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बिना स्किप करें। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप ओली कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूं हरिद्वार से, क्योंकि हरिद्वार बाय फ्लाइट, बाय बस और बाय ट्रेन वेल कनेक्टेड है। तो आप किसी भी तरीके से हरिद्वार तक पहुंच जाइए और उसके बाद हरिद्वार से आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। और अगर आप ओली बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो ओली का जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है देहरादून का जोलीग्रंट एयरपोर्ट। आप वहां के लिए फ्लाइट ले लीजिए और वहां पे उतर के आप कोई भी टैक्सी या कैब बुक करके ओली पहुंच सकते हैं। मैं यहां पे आपको बता रही हूं, अगर आप हरिद्वार से ओली जाना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार का जो बस स्टैंड है वहां से काफी सारी बसेस चलती हैं जो आपको ओली ले जाएंगी। ओली जाने का जो टाइम है हरिद्वार में मॉर्निंग में, वो है सुबह 2:30 बजे से लेके मॉर्निंग के 7, 8 या 9 बजे तक, लास्ट 9 बजे तक बसेस चलती हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स की आपको बस मिलेगी, एक होगी प्राइवेट और एक होगी गवर्नमेंट। जो प्राइवेट बसेस हैं वो आपको अर्ली मॉर्निंग से ही मिलना शुरू हो जाती है, जो कि 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है जो प्राइवेट बसेस हैं। अगर आप गवर्नमेंट बस से जाना चाहते हैं तो वो सुबह 5:30 बजे से जानी शुरू होती हैं और सुबह 8 या 9 बजे तक लास्ट आपको मिल जाएंगी। तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान करके आइए कि आपको सुबह 9 बजे से पहले पहले हरिद्वार पहुंचना है और उसके बाद ओली के लिए बस पकड़नी है। बसेस आपको जोशीमठ तक के लिए ही मिलती है, क्योंकि ओली तक काफी बसेस नहीं जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी बर्फ पड़ी होने की वजह से ओली तक बसेस नहीं जाती हैं। तो आपको जोशीमठ ही उतरना होता है और जोशीमठ में ही आपको काफी अच्छे रूम वगैरह और जो आपके होटल के में स्टे करने के जो ऑप्शन है वो आपको सिर्फ जोशीमठ में ही मिलते हैं। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है, जिसका किराया 580 रुपए पर पर्सन है, और आपको ये दूरी कवर करने में टाइम लगेगा 8 से 9 घंटे का। तो आप उसी हिसाब से प्लान करिएगा कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग बस पकड़ते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब मॉर्निंग ज़्यादा नहीं हुई होती तो लोग कम निकलते हैं, कम रश होता है और बस भी जल्दी जल्दी चलती है। तो ये आप थोड़ा सोच के चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे और जल्दी आपका टाइम बचेगा। और दोस्तों, अगर आप ओली बाय बस नहीं जाना चाहते हैं तो बाई टैक्सी भी आप हरिद्वार से टैक्सी हायर करके ओली पहुंच सकते हैं। जो हरिद्वार का टैक्सी स्टैंड है, थोड़ा सा आप बस स्टैंड से आगे चलेंगे तो आपको टैक्सी स्टैंड मिलता है, वहां से आप टैक्सी हायर करके भी ओली पहुंच सकते हैं। बसेस का किराया है 580 रुपए और जो टैक्सी का किराया है वो है 800 या 900 रुपए पर पर्सन। तो इस तरह से दोस्तों आपका पहला दिन जो खत्म होगा वो सफर में ही समाप्त हो जाएगा और जो रात होगी वो आपकी बीतेगी जोशीमठ में। तो अब बात आती है दोस्तों कि जोशीमठ में कहाँ रुका जाए। वैसे तो जोशीमठ बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर काफी आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो GMVN के जो डोरीमेट्री रूम है और सेपरेट भी होते हैं उनमें बुकिंग करके जरूर जाएं, क्योंकि उनमें आपको फैसिलिटीज भी अच्छी मिलती है और वो आपके बजट फ्रेंडली भी होता है। दूसरा, अगर आपको GMVN में रूम नहीं मिलते हैं क्योंकि बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सेपरेटली होटल भी मिल जाते हैं, वहाँ भी आप स्टे ले सकते हैं। उनके चार्जेस आपको 1500 से 2000 रुपए तक पड़ सकते हैं, क्योंकि जो पीक टाइम होता है सीजन का उसमें प्राइस हाई ही रहते हैं वहाँ पर। और अगर आप सस्ते रूम ले भी लेते हैं तो वो आपको उतनी फैसिलिटीज नहीं दे पाएंगे जो आपको चाहिए, जैसे कि गर्म पानी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये आपको डिसएडवांटेज होगा सस्ता रूम लेने के लिए। तो इस तरह से आपका डे वन खत्म होता है जोशीमठ में, और डे टू में आप जोशीमठ टू ओली पहुंचेंगे। तो जोशीमठ से पहले दोस्तों एक डायरेक्ट रोप वे हुआ करती थी, लेकिन ड्यू टू लैंडस्लाइड, जब बीच में लैंडस्लाइड हुई थी तो वो रोप वे की जो सुविधा है वो बंद कर दी गई है। अब आपको ओली बाय टैक्सी जाना पड़ेगा।
तो वहाँ पे भी आपको दो तरह की टैक्सी मिलती है, एक होती है जो बड़ी टैक्सी होती है जिसमें 10 से 12 बंदे बैठ के जाते हैं, और एक होती है छोटी टैक्सी जैसे ऑल्टो या डिज़ायर, उसमें आप बैठ के जा सकते हैं। वो आपके ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप छोटा है या बड़ा, तो 2 से 4 बंदे आप ऑल्टो या डिज़ायर में जा सकते हैं। और इनका प्राइस जो बड़ी गाड़ी हैं वो आपको 5,000 रुपये तक ले सकती हैं शेयरिंग में, और जो आपकी छोटी गाड़ी है वो आपको 2,500 से 3,000 रुपये देने पड़ेंगे शेयरिंग में, तो पर पर्सन आपको 600 या 700 रुपये पड़ने वाले हैं। और दोस्तों ये बात आप खास करके ध्यान रखें, जब आप जोशीमठ से ओली के लिए निकलें तो थोड़ा जल्दी यानी कि अर्ली मॉर्निंग निकलें, क्योंकि जोशीमठ से ओली का रास्ता आपका 10 से 12 किलोमीटर का होने वाला है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई मिलती है, तो उसकी वजह से जाम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठ के ये सब आपको जो बीच में आपके एरर आएंगी या बाधाएं आएंगी उनको कवर करने के लिए टाइम चाहिए होगा, तो वो आप लेके चले। और ओली घूमने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 4 से 6 घंटे में आप पूरा ओली घूम सकते हैं, अगर आप ट्रैकिंग वगैरह नहीं करना चाहते हैं, बाकी 8 नंबर टावर पे घूमना चाहते हैं तो वो आप 4 से 6 घंटे में इजीली कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों अब सीजन चल ही रहा है ओली जाने का और न्यू ईयर भी आने वाला है, तो आपको रोप वे के लिए लाइन में जल्दी लगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है, तो उसके लिए भी आपको अर्ली मॉर्निंग उठकर टिकट लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको डिटेल दिख रही है, इसी के हिसाब से आप लाइन में लग के टिकट ले सकते हैं, और यहां से आपको मिलेंगे जो बूट होते हैं आपके बर्फ में चलने वाले, स्नो बूट भी आपको यहीं से मिल जाते हैं, उसका आई थिंक 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। और दोस्तों जब आप रोप वे का सफर कर रहे होंगे तब आपको इस सफर में 10 टावर मिलेंगे, तब आपको 8 नंबर टावर पे उतरना है, क्योंकि वहीं पर सारे स्पोर्ट्स वगैरह की जो एक्टिविटी होती है स्नो में खेलने की एक्टिविटी होती है वो 8 टावर नंबर पर होती है। तब आप वहाँ पे उतर के वो सारी एक्टिविटी करने के बाद 10 नंबर टावर पे ट्रैकिंग करके जा सकते हैं, और वहाँ से आपको माउंटेन व्यू मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। वहाँ से आपको नंदा देवी माउंटेन व्यू मिलेगा और साथ ही त्रिशूल पर्वत भी, बहुत ही ऑसम और बहुत ही क्लियर व्यू आपको वहाँ से देखने के लिए मिलेगा, तो वो आप मिस मत करिएगा। और आप ओली में भी स्टे करने का ऑप्शन आपको कैंपिंग के थ्रू मिल जाता है, अगर आप ओली में कैंपिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैंप का प्राइस उसमें रहता है 1500 से लेके 2000, और उसमें आपका 3 टाइम का मील इंक्लूडेड होता है। साथ ही वहाँ पे रिजोर्ट हैं जो वुडन के बने हुए थे, उनका प्राइस थोड़ा कॉस्टली रहता है क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड लोग ही जाते हैं, तो इस वजह से, और वो काफ़ी हाइट पे है इस वजह से वहाँ के प्राइस थोड़े हाई रहते हैं, वो आपको 2000 से लेके 2500 रुपये तक मिल जाएंगे। आठ में दोस्तों आपको 10 नंबर टावर से व्यू देखने के लिए मिलता है फ्रोजन लेक का। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे जो आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है वो बर्फ पड़ने पे बिल्कुल जम जाती है और एकदम फ्रोजन लेक लगने लगती है, तो उसका व्यू आपको देखने के लिए मिलता है टावर नंबर 10 से। और बात करें स्नो में एक्टिविटी प्राइस की, तो आपको जो स्कीइंग के हैं अगर आप पूरा दिन स्कीइंग करना चाहते हैं तो वो 2500 रुपये हैं, और अगर आप पर आवर के हिसाब से करना चाहते हैं कि आपको 1 घंटा या 2 घंटा स्कीइंग करनी है तो उसका 400 या 500 रुपीज़ पर आवर इस तरह से वो चार्ज करते हैं। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और टावर नंबर 8 पे आपको बर्फ नहीं मिलती, तब हम काफ़ी निराश हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं गई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, टावर नंबर 8 पे मुझे बर्फ नहीं मिली, तब मैंने ट्रैकिंग करी और जो टावर नंबर 9 है या 10 है तब वहाँ जाके आपको बर्फ मिल पाती है। तो ये 8 नंबर टावर से आपको जो ट्रैकिंग करनी होती है टावर नंबर 10 की, उसके बीच की दूरी 3.5 किलोमीटर की रहती है, तो वो काफ़ी हाइट पे है तो वो थोड़ा थका देने वाला होता है। अगर आपको 8 नंबर टावर पे बर्फ नहीं मिलती है तब आप ट्रैकिंग करके टावर नंबर 10 पर जाकर बर्फ का आनंद ले सकते हैं। और उससे आगे भी अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो उससे आगे भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बिना गाइड के अलाउ नहीं है, वहां पे आपको एक गाइड हायर करना मस्ट है, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था कि कुछ लोग बिना गाइड हायर करे वो आगे चले गए टावर नंबर 10 से, तो वो वहां पे गुम हो गए और वो रास्ता भूल गए, तो काफी बर्फ पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, और फिर उनकी जो डेड बॉडी थी वो बर्फ के अंदर से मिली, जो वहां के फॉरेस्ट विभाग के पुलिस वाले थे, फॉरेस्ट गार्ड जो थे, उन्होंने उनकी डेड बॉडीज ढूंढ के निकाली। तो इस वजह से वहां पे अगर आप जा रहे हैं 10 नंबर टावर से आगे तो वहां पर आपको गाइड हायर करना मस्ट है। तो
तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो ओली की। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 दिन सफिशियंट रहते हैं घूमने के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं ओली घूमने का तो आपको यहाँ पे 2 दिन पूरे लग सकते हैं। और बात करें खर्चे की तो पर पर्सन आपका यहाँ पे 6,000 से 7,000 रुपए पर पर्सन आने वाला है। अगर आप रूम जो है आप अगर बजट फ्रेंडली लेते हैं तब, अगर आप ओली के जो हाई बजट वाले रूम है अगर वो लेते हैं तब आपका खर्चा आने वाला है 10,000 से 12,000 रुपए पर पर्सन। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो ओली इन्फॉर्मेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ और फिर किसी नई डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।